हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लिपि, भाषा और बोलियों से संबंधित हिंदी के कुछ सेलेक्टिव और महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि हिंदी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है। विकल्प है भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि या फिर प्रतीकात्मक लिपि। जब हम बात करते हैं लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि की, तो पहले मनुष्य क्या करते थे, अपने भाव और विचार को प्रकट करने के लिए चित्र बनाते थे। ठीक है, तो ये कौन सी लिपि आ जाएगी, चित्र लिपि। विकल्प स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है। विकल्प है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। कृष्ण काव्य की भाव संपदा, जब भी आपसे कृष्ण काव्य की भाव संपदा के बारे में पूछा जाएगा, तब आपने आँख बंद करके ब्रज भाषा लगा देनी है। विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी बोलियों के किस क्रम का भाग है। विकल्प है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। जब हम बात करते हैं ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी की, तो ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है। विकल्प है फारसी, अंग्रेजी, चीनी या फिर जापानी। जब मुगल काल था तब सबसे ज़्यादा फारसी भाषा का प्रयोग होता था, तो विकल्प अ बिल्कुल सही हो जाएगा। फारसी भाषा हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा थी। अगला प्रश्न है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले रेखता लिपि की भांति दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। विकल्प है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, चित्र लिपि या फिर सूत्र लिपि। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ब, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अब आप सभी से एक प्रश्न है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि रेखता लिपि किस भाषा से बनी है। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। विकल्प है तमिल, बांग्ला, पंजाबी या फिर मराठी। तो देखिए, देवनागरी लिपि में अन्य जो भाषा है वह मराठी लिखी जाती है। विकल्प द सही हो जाएगा। और जब हम बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी की लिपि गुरमुखी लिपि है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं। विकल्प है पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो देखिए, मेवाती और हड़ौती, ये नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये राजस्थान से रिलेटेड बोलियां हैं। तो विकल्प ब सही हो जाएगा, राजस्थानी भाषा वर्ग। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। विकल्प है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर शारदा लिपि। भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, जो कि एक प्राचीन लिपि है। विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हिंदी तर भाषी राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों में ही हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, परंतु महाराष्ट्र में
मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प द सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, काव्य पंक्ति से संबंधित है, जामे रस कछु होत है, पढ़त ताही सब कोई बात अनूठी, चाहिए भाषा को होए। तो यह पंक्तियां किसने लिखी हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न, या फिर जगन्नाथ रत्नाकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो विकल्प अ सही हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन पंक्तियों का उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? विकल्प है मागधी, अर्धमागधी, सोरसेनी या फिर पैसाची। जब हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियों की, तो ये अर्धमागधी से विकसित हुई हैं, विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? विकल्प है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वशिष्ठ या फिर बृहस्पति निसार। तो विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पैसाची। पश्चिमी हिंदी का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई? विकल्प है 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प स, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर विकसित हुई। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? विकल्प है चांद, सुधा, सरस्वती या फिर प्रताप। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और ये 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? विकल्प है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। तो विकल्प अ सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न देखिए, बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? विकल्प है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। जब हम बात करते हैं बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की, तो ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं, विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? विकल्प है संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश या फिर पाली प्राकृत से। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प स सही हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? विकल्प है लौकिक संस्कृत से, पुरानी हिंदी से, सोरसेनी से या फिर वैदिक संस्कृत से। पाली प्राकृत भाषाएं वैदिक संस्कृत से विकसित हुई, विकल्प द सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।